नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। दाता रामगढ़ में खाचरिया वास के टीला धाम पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं बाइक में सवार महिला जो कि मृतक की माँ है, वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर चालक को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया। आपको बता दें, पुलिस ने जिस चालक को पकड़ा है वह सीकर जिले का हार्डकोर अपराधी विजयपाल जाट है, जिसकी तलाश काफी लंबे समय से पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरोपी के साथ में गाड़ी में अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन मौका देखकर वह फरार हो गए। जिस प्रकार से पुलिस को गाड़ी में अवैध हथियार मिला है, उससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आरोपी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और अचानक खाचरिया वासा में सड़क हादसा हो जाने के कारण पुलिस की पकड़ में आ गए। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि हिस्ट्री शीटर विजयपाल जाट के खिलाफ जिले में तकरीबन 1.5 दर्जन लूट, हत्या, अवैध शराब, अवैध हथियार रखने, फिरौती आदि के मामले दर्ज हैं। क्षेत्र में खाचरिया आवास गांव के पास में जयपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी और दातारामगढ़ साइड से और करड गांव की तरफ एक मोटरसाइकिल जा रही थी, जिसमें अशोक कुमार पटवारी और उनकी माता वो सवार थे। स्कॉर्पियो गाड़ी है वो नशे की हालत में विजयपाल चला रहा था। विजयपाल जिसके खिलाफ करीबन 18 मुकदमे हैं और पहले राजपासा में बंद रह चुका है और ये चंदपुरा पुलिस थाना सीकर का रहने वाला है और इसने तेज गति से लापरवाही से गाड़ी चला करके और मोटरसाइकिल टक्कर मारी। अशोक कुमार की भाई मौके में डेथ हो गई और उसके बाद में मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ और जो अशोक कुमार की माताजी थी वो बोनट पे आ गई थी और करीबन 60-70 मीटर दूर जा करके और गाड़ी रुकी, लोगों ने रोक लिया, हमारा पुलिस जाब्ता भी पहुंच गया, गाड़ी को जब्त कर लिया तथा विजयपाल है उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक लाइव कारतूस मिला, जिसको जब्त कर लिया है। और विजयपाल अभी नशे की हालत में है, उसे तफ्तीश कर रहे हैं और आगे जैसे भी जो सूरत होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विजयपाल है जिला स्तरीय हार्डकोर क्रिमिनल है। सर, गाड़ी में और कोई भी था क्या? ये बताया जा रहा है गाड़ी में 2-3 आदमी और थे, अभी ये नशे की हालत में है, ज्यादा बताने की स्थिति नहीं है और उसको भी अपने क्लियर करेंगे कि इसके साथ और कौन कौन थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।